क्लास एट चैप्टर टू ज्योग्राफी लेक्चर एट। आज हम इसका लॉन्ग आंसर करेंगे। डी नंबर में डिफ्रेंशिएट बिटवीन है नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न माउंटेन्स में। द नॉर्दर्न प्लेन इज एक्सटेंसिवली फर्टाइल एंड लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाई मिलियन ऑफ टर्न्स ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाई न्यूमरस रिवर लाइक इंडस सतलज ऑन द वेस्ट द गंगा एंड यमुना इन द सेंटर एंड द ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट। वेयर एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयाज आर आर्क लाइक माउंटेन्स रेंज अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। दीज हैव बीन दीज हैव थ्री फोर्स द हाइएस्ट हिमाद्री द मिडिल हिमाचल एंड द लोएस्ट शिवालिक। दूसरा डिफ्रेंशिएट है द प्लेट्यूज और प्लेन्स में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स है तो इसका है द प्लेट्यूज आर एन एक्सटेंसिव हाई लैंड एरिया विद अ फ्लैट सर्फेस एंड स्टीप साइड्स मेड अप ऑफ रिलेटिवली ओल्ड हार्ड रॉक्स। डेक्कन एंड टिबेट प्लेट्यू आर टू इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर। वेयर एज प्लेन्स आर रिलेटिवली लो एंड फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ सर्फेस दीज आर मोस्टली फर्टाइल एंड हाईली पॉपुलेटेड एग्जाम्पल गंगा प्लेन नाइल बेसिन। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे। इसमें है पहला क्वेश्चन वेयर डू मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव। इसका आंसर है मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव इन प्लेन्स एज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल बी मेंटेन तो आंसर है द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल कैन बी मेंटेन बाय चेकिंग सॉयल इरोजन थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड तो क्लाइमेट रिलीफ फीचर कल्चर एंड लाइफ स्टाइल आर फैक्टर्स दैट कंट्रोल द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यहाँ पे लैंड हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्स द मेन यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्स इज फॉर एग्रीकल्चर टू मेक हाउस टू लिव एंड टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। पांचवा क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ डिजर्ट द टू फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ डिजर्ट आर दैट वाइल्ड लाइफ ऑफ डिजर्ट हैव लॉन्ग पैडेड फीट एंड ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू स्टोर इन इट्स बॉडी। छठा क्वेश्चन है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया तो आंसर हो जाएगा पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अब एफ नंबर लॉन्ग आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन नेचर फॉर ह्यूमन काइंड एग्जाम्पल लैंड वाटर एयर सॉइल। नेचुरल रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन फॉर देयर लाइवलीहुड ह्यूमन ऑब्टेन देयर फूड क्लॉथिंग एंड प्लेसेस टू लिव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवेनली ओवर द वर्ल्ड एयर वाटर सॉइल एंड लैंड आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेज एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तीसरा क्वेश्चन है वाट इज वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। सम कंजर्वेशन टेक्निक्स आर इम्प्रूविंग वेजिटेशन कवर प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन लेजिस्लेशन प्रिवेंटिंग वेस्ट्स प्रिवेंटिंग सैलिनेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। फोर नंबर क्वेश्चन है हाउ डज टेक्नोलॉजी फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स टेक्नोलॉजी फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज ऑफ रिसोर्स हैज इंक्रीज सो द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ रिसोर्स हैज डिप्लेटेड। पांचवा क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रिसोर्सेज तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स यूज देयर नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड स्किल टू डेवलप द अवेलेबल रिसोर्स फॉर देयर बेनिफिट। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज वाइल्ड लाइफ इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल बर्ड्स एंड फिशेज विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड आर रिफर टू एज एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग different conditions of climate and vegetation. Our government has taken various steps to protect wildlife in the country. सातवां question है describe the typical wildlife of each continent. Answer है the typical wildlife of each continent are as follows. पहला है एशिया और यूरोप elephant, lions, tiger, panthers, jackal, deer, monkey, crocodile, snake and rhinoceros are found in tropical monsoon forest of Asia. The mountain woodland of Europe are home to wild goats, sheep, cats, bears, snakes and vipers. The taiga forest of Asia and Europe are inhabited by fur-bearing animals. North America ka hai, the tundra and taiga region here are inhabited by polar bear and reindeer. Alligators and snakes are found
इन मार्सेज एंड स्वाम्स वाइट टेल्ड डियर रैकून ओपोसम एंड वाइल्ड टर्की आर फाउंड इन वार्म टेम्परेट रीजन्स। उसके बाद साउथ अमेरिका का है, अबाउट 2700 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, अनयूजुअल वैराइटीज ऑफ मंकीज, हाउलर मंकी, स्पाइडर मंकी, स्पीरल मंकी टीसी आर फाउंड। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड लार्जेस्ट स्नेक एनाकोंडा इज फाउंड इन अमेजोन फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, वलबीज, कोलाज, कोलाज, वाइल्ड डिंगो, डक बिल्ड, प्लेटिपस, एमू, कोकाबुरा, लेयर बर्ड, पिंक कोकाटूज, कोकाटू आर यूनिक बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका मेनी काइंड्स ऑफ फिशेज एंड स्वाम्स ऑफ सेलफिश कॉल्ड क्रिल इज फाउंड इन एसिड डेजर्ट ऑफ एंटार्क्टिका। व्हेल्स एंड सील्स आर फाउंड इन सी, पेंगुइन्स आर फाउंड इन कोस्टल रीजन इन एंटार्क्टिका। यहाँ पे प्लेटिपस के बाद आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एनिमल्स लाइक से हो जाएगा यहाँ पे प्लेटिपस तक, उसके बाद आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बस सब कल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।